जय हिंद। आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मानसून की वर्षा चारों ओर अपनी छटा बिखेर चुकी है, चारों तरफ हरियाली छा चुकी है। ऐसे में मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं आज अपने टेरेस गार्डन की कुछ झलकियां। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बीज मेरे द्वारा टमाटर के लगाए गए थे वो पौधों में कन्वर्ट हो चुके हैं, सीडलिंग्स तैयार हो चुकी हैं और उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है इन पौधों में। आप देख पा रहे हैं ये नन्हे टमाटर के पौधे इस बरसात के पानी पाकर बिल्कुल हरे भरे होके तैयार हो चुके हैं। ये गिलोय की एक बेल जो मेरे फ्रंट यार्ड में लगी हुई है, ये दूसरे गमले में आप देखिए, ये कुछ बेल, ये एश गार्ड के मैंने कुछ बीज लगाए हैं इसमें और आप देख पा रहे हैं कि इनमें, और ये कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं ये बॉटल गॉर्ड का पेड़ था। इन छोटे गमलों में मैंने अभी पालक के बीज डाले थे, अभी बरसात होके हटी है, आप इनमें पानी भरा देख रहे हैं। पालक, धनिया और यहाँ कुछ इसमें भी आप देख पा रहे हैं पानी, अभी बरसात होके हटी थी, इनमें आपको पानी नजर आ रहा है इन गमलों में। ये ककड़ी देख पा रहे हैं, इसमें कुछ ककड़ियाँ आई हुई हैं, ये बेल इस गमले में लगाई थी मैंने कुछ समय पहले। ये देखिए इनमें ककड़ी तैयार भी हो चुकी है। ये कुछ और बीज मेरे द्वारा इसमें डाले गए थे ककड़ी के लिए, ये कुछ पुराने मिर्ची के पौधे हैं, इनमें आप लीफ कर्ल की प्रॉब्लम देख रहे हैं, बरसात की वजह से थोड़ा सा हो गया। ये नए पौध जो मेरे द्वारा अभी रिसेंट जो मैंने सीडलिंग्स बोई थी वो नज़र आ रही है इन गमलों में, कुछ बरसात की वजह से ख़राब भी हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी छोटी मैंने ट्रांसप्लांट कर दी थी, लेकिन ये कुछ सीडलिंग्स थी ये ट्रांसप्लांट होने के बाद जड़ें पकड़ चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। ये कुछ कॉलीफ्लावर की सीडलिंग्स जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी शिफ्ट किए मैंने यहाँ, ये कुछ पुराने मिर्ची के पौधे, ये कैप्सिकम भी है यहाँ पे आपको नजर आएगा, कैप्सिकम है, लेकिन ये सभी अभी लीफ कर्ल की से है और मैं इन पे अभी एक जो दवाई है वो डाल के होम मेड ही मैंने प्रिपरेशन तैयार किया है इनके लिए, देखते हैं कितना इफेक्टिव रहता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बैंगन की ब्रिंजल के सीडलिंग्स मैंने अभी ट्रांसप्लांट किए हैं, इन गमलों में आप देख रहे थे टमाटर के जो मेरे पौधे थे, और इस साइड में आप देखेंगे तो नए जो मेरे सीडलिंग्स हैं एग प्लांट्स के, बैंगन के। आगे बढ़ते हैं, ये मिंट है, पुदीना जो अभी अधिक पानी की वजह से आप नहीं तैयार हो पाया बहुत अधिक, बरसात की एक ये करेला देख पा रहे हैं आप, बिटर गॉर्ड लगे हुए हैं, जो मैं बता रहा था कि बरसात में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन प्लांट्स की केयर कर पाना। ये आप यहाँ हल्दी, टर्मरिक और ये आप जिंजर अदरक के वैरायटीज देख रहे हैं जो इस गमले में लगी हुई है, ये अच्छी तरह से डेवलप होने लगे हैं। ये एक बैंगन की पौध जो ऐसे ही यहाँ लगी थी, ये काफ़ी डेवलप हो गया है। बाकी अगर हम अब दूसरी साइड अगर मेरे टेरेस गार्डन के अपन मूव करते हैं तो यहाँ ये पुराने बैंगन के पौधे हैं जिन पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी आपको नज़र आने लगी होगी। यहाँ देखिए आप ये तैयार होने लगे हैं यहाँ पे नए, जल्दी ये बहुत सारे बैंगनों से भर जाएगा, देखिए ये सब नए फ्रूट्स इसमें। देख पा रहे हैं।
ये पेड़ मैंने लगभग 6 महीने पहले लगाए थे, जो अब बरसात की वजह से अपने पूरे निखार पे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक बड़ा गमला जो मेरा 10x4 फिट का है, इसमें आप देखिए इसमें 2 बेलें आपको ये इस कॉर्नर से निकलती नजर आ रही हैं। एक बॉटल गार्ड की, ये इस तरफ मैंने डाइवर्ट कर दिया इसको। घिया की लौकी की बेल है ये जो, और दूसरी साइड जो बेल गई थी वो रिज गॉर्ड की थी। ये बीन्स हैं, नए पौधे आपको इसमें नजर आ रहे हैं बीन्स के, और ये देखिए आप डेवलप हो चुकी हैं। आप इन फलियों को देखिए, अच्छी मात्रा में आपको ये इस पेड़ पे इस पौधे पे नजर आएंगी। प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स है ये। इसी प्रकार इस गमले में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये हल्दी का एक पौधा आपको दिखाई दिया होगा। इस तरह से इस कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाकर उस स्पेस को यूटिलाइज करने का प्रयास किया गया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बरसात के कारण ये सब पौधे बिल्कुल हरे भरे नज़र आ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप कुछ तुलसी के पौधे देख रहे हैं जो एक गमले में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करते हैं। आगे कुछ गमलों में घिया की बेल लगाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे कुछ पुरानी बेलें हैं ये जो आप नजर आ रही है। छोटे गमलों के कारण थोड़े गमलों का साइज कम रह गया इन बेलों के अनुसार। खीरे की बेल लगाई थी, नीचे देख पा रहे हैं आप कुछ और बीज सीडलिंग्स। तो इस प्रकार अभी आज 15 अगस्त के दिन जो मेरे टेरेस की स्थिति है, यहाँ ये भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा, यहाँ मैंने कुछ बीज लगाए थे लेकिन जो स्प्राउट नहीं हुए हैं अभी। ये घिया की बेल इस बड़े गमले में जो कि काफी तेजी से बढ़ रही है, जल्दी इस पे भी फूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इस गमले में ग्रेप्स, अंगूर की बेल है, नए पत्ते आ गए हैं इसमें भी बरसात में। ये धनिया, कोरिएंडर, लेकिन बरसात के कारण ये कुछ डेवलप नहीं हो पाया है मेरी आशाओं के अनुरूप। तो ये एक ओवरऑल नज़ारा मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है मेरे टेरेस गार्डन का। अभी जल्दी अपने अगले वीडियो में मैं इसके अपडेट आपको देने के प्रयास करूँगा, और उम्मीद करता हूँ जो ये मेरे नए सीडलिंग्स हैं ये जल्दी अच्छे पौधों में कन्वर्ट होके और मुझे ताज़ा सब्जियाँ प्रोवाइड करेंगे। हाँ, बरसात की हरियाली ज़रूर चारों तरफ नज़र आती है, पर नन्हे पौधों के लिए कई बार ये बरसात इतनी लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाती। नीचे भी आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको हरियाली नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से प्रेरणा लेके आप अभी भी कुछ बीज लगा सकते हैं, और आने वाले समय में घर पे तैयार की गई ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।